श्री हेमकुंड साहब की यात्रा संबंधी नवी अपडेट। खराब मौसम का यात्रा से पिया असर। 20 मई तो श्री हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू हो चुकी है। दसया जाता है कि हुम हुमा के श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहब के विखे नतमस्तक होने लिए पहुंच रहे हैं, पर इन सब विचाले हुण यह नवी जानकारी निकल के सामने आई है कि खराब मौसम के कारण यात्रा के उत्ते रोक लगा दी गई है। दरअसल मौसम विभाग के वालों 2 दिन का मौसम खराब होने की भविष्यवाणी की गई है। यह भी जानकारी मिली है कि बीते दिनों तो बारिश और भारी बर्फबारी के कारण यात्रा के उत्ते असर पिया है। उत्तराखंड सरकार ने नवी एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन के वालों जारी की एडवाइजरी के अनुसार 2 दिनों वास्ते श्रद्धालुओं नूं यात्रा ते ना जाण वास्ते आख्या जा रहा है। इस दे संबंधी उत्तराखंड पुलिस दे वल्लों ट्वीट करके जानकारी भी दित्ती गई है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस दा कहना सी कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा दे रस्ते विच भारी मीह अते बर्फबारी दे कारण श्रद्धालुओं नूं सुरक्षित थावां ते रहण वास्ते बेनती कीती जा रही है ते 26 मई दे वास्ते श्री हेमकुंड साहिब दी यात्रा रोक दित्ती गई है। इस नाल ही उन्होंने कहा है कि नवी जानकारी जल्द सांझी कीती जावेगी। अजिहे दे विच इह वी गल सामने आई है कि गुरुद्वारा ट्रस्ट ने भी यात्रा नूं 2 दिनों वास्ते रोक दिता है। प्रबंधकों के वलों अज स्थिति का मुड़ जायजा लिया जा रहा है। स्थिति का जायजा लेने तो बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि जेकर बर्फबारी और मीह ना पिया और मौसम ठीक रहा तो यात्रा को मुड़ तो शुरू कर दिया जाएगा। यह भी जानकारी निकल के सामने आई है कि श्रद्धालुओं का जत्था वीरवार को सवेरे गुरुद्वारा गोबिंद धाम तो लगभग 6 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब लिए रवाना होया सी, पर अटला कोटे ग्लेशियर के कोल भारी बर्फबारी होने के कारण बर्फ जमी हुई सी, जिस कारण यात्रियों को ग्लेशियर तो वापस गुरुद्वारा गोबिंद धाम आना पिया। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रधान ने भी इस गल की पुष्टि करदिया कहा कि बीती रात श्री हेमकुंड साहब दे विच भारी बर्फबारी हुई, जिस कारण रस्ते दे विच बर्फ जमी हुई है। अजिहे दे विच यात्रियों नूं नवें निर्देशां दी उड़ीक करन लई कहा जा रहा है। जिक्रयोग है कि श्री हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने तो 1 महीने पहला ही भारतीय फौज के वालों बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया सी, पर अजिहे दे विच खराब मौसम के कारण मुड़ तो बर्फ जमनी शुरू हो गई है, जिसनों हटाने का काम भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।